namo Paramabhidam natavarabhuhu Karnayo karnitaram Vipratavasatanatatavisayam Vaijayanti chamalan Randhana venuradarasudaya Purayana gopavrindai Vrindaranam sapadaramanam Pravisastadhanitakirti Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ekor Hatha Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare करते करते अभी हम जहां पर पहुंचे हैं ये बेपुल है, ये इसका नाम बेपुल। बेपुल का मतलब क्या होता है? बोले गो मतलब गैया, गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब बेर, गो मतलब गोपी, गो मतलब गो, मतलब कुल, मतलब जहां पर गैया और जहां पर गोप लोगों का समूह है, इसलिए ये स्थान का नाम गोकुल इसका नाम है। कभी जो गोकुल है, कभी ये जैसे एक कमल फूल है, जैसे उसका कर्णिकार होता है और जैसे उसमें आठ पंखुड़ियां होती है, कहते उसी तरह ये जो स्थान है ये एक कमल फूल जैसे ये गोकुल है। और ये मेन स्थान कृष्ण का जन्म स्थान और जितने सारे वन और जितने सारे स्थान है इसका अधीन है, लेकिन ये जो मूल स्थान श्री गोकुल श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। बस श्री गोकुल धाम की हाँ, देखो कदी ये कृष्ण का जन्म स्थान है, लेकिन जो लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ेंगे, अगर कोई डायरेक्ट कोई भागवत ग्रंथ को डायरेक्ट अगर कोई भागवत ग्रंथ को पढ़े ना, वो सबके सब एक ही बात बताएंगे, कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, बोलो कहाँ पर जन्म हुए, सारा दुनिया बोलेंगे मथुरा में जन्म हुए। जो भागवत पढ़े होंगे बोलेंगे सबके सब मथुरा में जन्म हुए, लेकिन जो लोग गौड़ीय वैष्णव का अधीन में जो लोग ये भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे होंगे, वो बोलेंगे कृष्ण गोकुल में जन्म मथुरा में नहीं हुए हैं। कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? कृष्ण जन्म हुए गोकुल में, कृष्ण जन्म हुए हैं। बोलेंगे भैया कहाँ आपको मिला कहाँ? सारा दुनिया कहते हैं कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? सारा दुनिया कहते कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। हरि बोल। सारा दुनिया कहते कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, लेकिन आप ही कह रहे हो कृष्ण जन्म हुए गोकुल में। बोले आपको मिला कहाँ से सो बात? कहती है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में ही बताया गया। बोले भागवत में कहाँ पर बताया? कहते भागवत में ये ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में जब गोपी गीत गा रही है, ये गोपी गीत का प्रथम श्लोक है। बोले जयती तेधिकाम जन्मना प्रजा श्रायत इंदिरा कह रही है। बोले क्या कह रही है? बोले जयती ते धिकम जन्मना ब्रज, कृष्ण कहां पर जन्म हुए? बोले कृष्ण ब्रज में जन्म हुए, कहते गोकुल में जन्म हुए। कहते पितामह ब्रह्मा जी भागवत का जो ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक को देख लो, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हमारे पितामह ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या कहते हैं? बोले नव मिटते अभ्रम भूसे तड़िताम्बराय
जाब तल सबर पीछ लसात मुकाया। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपाल गजाया। बोले पशु मतलब जो उसको बैठा दो वहीं पर, कहते पशु मतलब होता है, कहते पशुओं का जो पालन करने वाले, बोले कौन है, बोले श्री नंद बाबा। कहते श्री नंद बाबा उनकी अंग से जो जन्म हुए हैं, इसलिए श्री वसुदेव महाराज गैया नहीं चराया करते थे। गैया कौन चराया करती थी, गैया कौन चराया करते थे, बोले श्री नंद बाबा गैया चराया करते थे। इसलिए पशु पर मतलब पशुओं को जो पालन करने वाले कौन, बोले श्री नंद बाबा। कहते इनकी अंग से जो प्रकट हुए हैं, कहते पशुपा श्री श्री नंद के लाला श्री कृष्ण कन्हैया, इसलिए बोले श्री नंद के लाला की। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण जन्म हुए, सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उन्होंने कृष्ण का जन्म उत्सव को उन्होंने वर्णना करते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी जन्म उत्सव का जो पहला नंबर श्लोक है, देखो क्या कहते हैं, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज, ये किसकी बेटा है, बोले नंद के लाला है, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, इसलिए आनंद किसको भयो है, बोले श्री नंद को आनंद भयो, आनंद श्री नंद बाबा को भयो। क्यों, कृष्ण जन्म हुए गोकुल में कृष्ण जन्म हुए, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब कृष्ण जन्म हुए अभी नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा भागते भागते आए। वहां पर कहते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको नाड़ी काटी जाती है, नाड़ी काटी जाती है कि नहीं, माताओं ने जो बच्चा जन्म दिया, कौन कौन बच्चा जन्म दिया, हाथ उठाओ तो। इसलिए देखना जब बच्चा जन्म होता है जो मैया के पेट को साथ में बेटा का जो नाड़ होता है ना लगी हुई होती है, वो नाड़ काटी जाती है। इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं कोई भी ब्रजवासी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। बोले क्यों, क्योंकि ब्रज के जो माता है बड़ी बूढ़ी माता है, बोले हम लोगों ने अपना आंखों से देखा, जब नंद के लाला भयो हमने अपना हाथों से अपने नाड़ी छेदन की। और नियम होता है नाड़ी कटने से पहले जो दान है वो दान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए नाड़ी कटने से पहले नंद बाबा ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया, बोले मैंने 20 लाख गैया मैंने दान दूंगा, और 8 की जो तील का जो पर्वत है मैं तील की पर्वत का दान करूंगा ब्राह्मण को। उनने संकल्प ग्रहण किया है जन्म, उनका नाड़ी कटने से पहले सबसे बड़ी बड़ा दान मानी जाती है। इसलिए ये कहते से सुखदेव गोस्वामी कहते सब गर्गाचार्य जी कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए, क्योंकि जो गर्गाचार्य कहते ये त्रिकाल दृष्टा गर्गाचार्य, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए जब श्री वसुदेव महाराज श्री गर्गाचार्य को भेजा मेरे लाला का नामकरण करवाना, स्वयं वसुदेव महाराज कह रहे भले देखो गर्गाचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, आप तो सब जानते हो, एक काम करियो। बोले क्या काम करना, जैसे मेरे साथ में मेरे लाला का ऐसे एक नामकरण करियो, मेरे लाला को साथ में मेरे नाम के जैसे नाम जुड़ा हुआ हो। इसलिए जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं वहां पर एक श्लोक है, बोले क्या श्लोक है, बोले हे श्री नंद बाबा तुम्हारा जो लाला है ना, कहते कोचित कहते ये जो लाला प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जात तबात्मज, ये बेटा तेरा है लेकिन ये कभी वसुदेव का बेटा हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। इसलिए ये कौन कह रहे हैं, बोले भागवत का गुरुदेव जब यहाँ आते थे लड़ जाते थे, यहाँ के पंडों के साथ में लड़ जाते थे, ये सब गुरुदेव शास्त्र का श्लोक को उठा उठा करके प्रमाण देते थे। भागवत में कितने सारे श्लोक है जहाँ पर कृष्ण नंद नंदन है, बोले कृष्ण जो नंद नंदन है उसको प्रतिपाद्य करते हैं। इसलिए हमारे गोपाल चंपू में आनंद वृंदावन चंपू में कृष्ण का जन्मोत्सव को बड़ा सुंदर वर्णना किया है। बोले मैया जसोदा एक दिन एक रात को स्वप्न देखा, देखो स्वप्न किया फिर 2 मिनट में गोकुल का जन्म का दर्शन। इसलिए ये श्लोक है, एक दिन उन्होंने एक व्रत रखे जिसका नाम कहते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत। जब पुत्रदा एकादशी व्रत रखे
तब वो रात को स्वप्न देखते हैं, बोले क्या स्वप्न देखते हैं, कहते श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखे और उनका स्वप्न खोलते ही नंद जसोदा, और जसोदा नंद को स्वप्न की बात कह रहे हैं, मैया जसोदा कह रहे हैं मैंने देखा मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक मां मां करते करते आ रहा है, बोले मैया मेरे को गोद में उठा लो। नंद बाबा कहते मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पोड़ रहा है और स्तन पान करते हुए दोनों धार से दूध की धरी बह रही थी और उसी रात को उन्होंने गर्भधारण की। इसलिए जिस समय श्री मैया जसोदा ने यहाँ पर नंद के लाला को यहाँ पर जन्म दिए, जन्म देते ही सबके सब जोग माया ने सबको उन्होंने सुला दी थी। सबसे पहले सुनंदा, नंद बाबा की जो बहन सुनंदा, वो 6 महीना पहले घर में बैठ गई। क्यों? बोले भाभी गर्भधारण की है, जब लाला होगा ना मेरे को नवला की हार मिलेगी। सबसे पहले कहते श्री सुनंदा की आंख खुली और उन्होंने दरवाजा खोल कर देखती है मैया जसोदा की गोद में सुंदर श्याम रंग का बालक पोड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा है। अभी सुनंदा सोचा अगर नंद बाबा को खबर दूंगी ना सबसे पहले मेरे को नवला की हार मिलेगी। जब उन्होंने नंद बाबा को पास में गए, बोले नंद बाबा, बोले भैया कमाल है गए हो। नंद बाबा सुनकर तो छलांग लगा दियो, बोले बहनी कहा भयो है, बोले बताओ मेरे को मिलेगा क्या, बोले ले नवला की हार तू ले ले, बता घर में कहा भयो है, बोले बाबा बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं, बता और क्या कुछ दोगे, बोले जमुना किनारे का जितना जमीन जगह तेरे नाम पर लिख देता हूँ, सारे जमीन जगह तक मालिक तू। बोले भैया इतने बड़ी बात हो जमीन जगह तो भी कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं इतना बड़ा जगह, बोले और क्या लोगे दोगे, बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी गाड़ी तू पकड़ ले, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बताओ तो सही घर में कहा भयो है, बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है, बोले श्री नंद के लाला की। नंद बाबा आकर के उन्होंने सारे ब्राह्मण को दान दिए, सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के सारे ब्रजवासी श्री नंद बाबा नाई को भेज दिया और सारे ब्रज में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिए, जितने ब्रज गोप और गोपियां सबके सब श्रृंगार करके सज करके सबके सब नंद गोकुल में पहुंचे और जितने गोपियां थी मैया जसोदा को बधाई दे रही थी, बोले मैया जसोदा बधाई हो। इसलिए गोपियां बोली बधाई हो बधाई हो। मैया जसोदा बोली तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बुढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है, लाला मेरो नहीं लाला तुम लोगों का लाला है। और जितने गोपियां है ना क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया मेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया मेरो ललना, 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 जुग जुग जियोरी जसोदा मैया मेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया मेरो ललना। श्री नंद बाबा मैंने दान तगड़ा दिए, कहते शंकर डर गए, बोले क्यों, बोले इतने गैया दान दिए, कहते 20 लाख गैया दान दिए, शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया मेरा बहन भी तो नंदी है ना, हो ना हो भूल से अगर नंदी को दान नहीं दे दे, उन्होंने तो नंदी को पूछ को पकड़ के खड़े हो गए। वहां पर मैया श्री पार्वती गणेश और कार्तिक को लेकर के आई थी, कहते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अभी मैया भी डर गई, बोले क्यों, मेरा बेटा भी तो गजानन ना हाथी का मुंह दे से, हो ना हो मेरे बेटा को नहीं दे दे, इसलिए उन्होंने अपना गोद में लेकर के उन्होंने चुपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर कुबेर भी आए थे, उनकी दान दक्षिणा देकर कुबेर भी दंग रह गए। इसलिए कहते रमा क्रीडन अभूत निरप, इतने दान दक्षिणा दिया ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध करके सोने चांदी को ले नहीं पा रहे थे, उनकी कोड़े में गिरते 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 जा रहा था, ऐसे लग रहा था लक्ष्मी स्वयं आ करके क्रीड़ा भूमि बना दी ब्रज भूमि। इसलिए यही स्थान है जहाँ पर ये सारे चीज हुई है, यही असली गोकुल है जहाँ पर 84 खंभा ब्रह्मा जी ने, ये 84 खंभा को ब्रह्मा जी ने बनाए। इसलिए ये 84 खंभा परिक्रमा करने से जीव को 84 लख जोनी से जन्म मृत्यु का चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान गुरु वैष्णव की कृपा से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कृपा प्रार्थना करेंगे मैया जसोदा नंद बाबा मंगल के बोलते।
कृपा करेंगे। नंदलाला की जय। चलो महाराज बोले, महाराज बोले, मंदिर बोले।